dear students in this module we are going to discuss the population growth question arises that how should we treat our population particularly the population growth is population a bomb or a potential resource population growth refers to the increasing in number of individuals within a population over time

बाज़ डेमोग्राफर्स के ख़्याल में ये पॉपुलेशन जो हैं ये पोटेंशल रिसोर्स साबित होती हैं नस्बता उन क्लासिकल थीरीज़ के जिनके मुताबिक ये था कि ये पापुलेशन जो है ये आपके लिए एक या आपके रिसोर्स के लिए जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं उनके लिए एक बर्डन साबित होगी हम दूसरे बहुत से ममालिक्गज़ाम्पल ले सकते हैं ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ की कि जिनके अंदर सडन पापुलेशन चेंजेस की वजह से उनके पापुलेशन डायनेमिक्स जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसरप्शन पैदा हुई मिसाल के तौर पे एक पापुलेशन जो है उस वो एक आइडियल पिरामिड की तरह होती है जिसमें के लार्जेस्ट चंक ऑफ पापुलेशन जो होता है वो यंग पापुलेशन का होता है वो प्रोडक्टिव पापुलेशन का होता है उसकी नस्बत जो एक छोटा हिस्सा होता है पापुलेशन का वो डिपेंडेंट पापुलेशन के ऊपर मबनी होता है तो सडन पापुलेशन पॉलिसीज की इंटरवेंशन की वजह से जब सडनली पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एकदम डिक्लाइन की तरफ आई तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये हुआ कि आपकी जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसका चंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपकी जो प्रोडक्टिव पापुलेशन है वो कम हो गई तो इसी वजह से ऐसी कंट्रीज़ को जो है वो फिर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का सहारा लेना पड़ा और दूसरे ममालिक से जो है वो यंग या प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ा सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दैट कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हम महज एक प्रॉब्लम ना समझें महज इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें कि शायद ये एक बर्डन है ये एक पोटेंशियल रिसोर्स भी साबित हो सकता है सो अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेसन ग्रोथ इज़ असेंशल फॉर एनालिंग द सोशल एंड एक्नॉमिक ट्रेंड्स एज वेल एज फॉर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसज़ The study of population growth requires a multidisciplinary approach incorporating perspectives from sociology, demography and economics. So to understand the population growth what we need to do is we need to analyze its historical trends and patterns and at the same time we need to see it from different theoretical perspectives. हमारे लिए ये एक पोटेंशियल रिसोर्स भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है उसका चंक अभी बहुत ज़्यादा है इस यूथ को अगर हम एडिकेटली एक रिसोर्स के तौर पे यूटिलाइज़ कर सकें तो हमारे लिए ये एक पोटेंशियल रिसोर्स हो सकता है अदरवाइज़ दिस कैन बी अ पोटेंशियल पॉपुलेशन बॉम्ब फॉर अस क्योंकि अगर हम अपनी यूथ के हवाले से इस तरह की पॉलिसीज़ डेवलप नहीं कर पाते कि जिसमें हम अपनी यूथ को प्रोडक्टिवली एंगेज कर सकें तो ऑबियसली ये यूथ जो है ये लैकाडाक्सिकल बिहेवियर का या डिफरेंट जो क्राइम्स हैं उनके अंदर इन्वाल्व होके तो मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स के अंदर हमें हमारे लिए डैमजिंग हो सकती है इसके साथ साथ हमारी जो ओल्डर पॉपुलेशन है उसके हवाले से भी हमें देखना है कि किस तरह की पॉलिसीज़ डिवेलप की जाएँ ताकि जो हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसके लिए भी उसके बुढ़ापे के लिए भी जो है वो बेटर अपॉरचुनिटीज़ पैदा की जा सकें एट द सेम टाइम हमें जो पापुलेशन ग्रोथ के हवाले से ये भी देखना होता है कि जैसे जैसे नई पॉपुलेशन आ रही है वैसे वैसे हमारे रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी उसी अंदाज़ से डेवलप हुए हों मसलन फ्यूचर में हमें कितने स्कूल्स रिक्वायर्ड होंगे कितने कॉलेज़ और यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर्ड होंगी एम्प्लॉमेंट के शोबे में भी हम इस हवाले से जो है प्लानिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर या नियर फ्यूचर के अंदर कितने लोगों के लिए हमें किस शोबे में एम्प्लॉमेंट रिक्वायर्ड होगी So, to understand the overall population growth from the policy standpoint is very important. So, effective population growth management strategies may include family planning initiatives, immigration policies, and economic development programs. And accurate data collection and analysis are necessary for effective policy making related to this population growth.